जिन बच्चों में है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल्स वही है बीबीए और बीएमएस के किंग्स। कॉम्पिटिटिव है पर्सनैलिटी एंड दे फियर नथिंग। स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम 12th क्लास इन फुल फोर्स, क्योंकि बीएमएस है एक प्रीमियम मैनेजमेंट कोर्स। ये कोर्स लूं या वो कोर्स, वी नो टेंशन है फुल फोर्स। डोंट वरी, प्लैनेट स्टडी है ना टू गाइड यू अबाउट ईच एंड एवरी कोर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। ये है वीडियो बीबीए वर्सेस बीएमएस। 100% कोर्स सेम है, लेकिन फिर भी बच्चों को डाउट रहता था, भैया थोड़ा सा तो होगा डिफरेंस। तो हमने कॉलेज की वेबसाइट, जो बीएमएस के कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट से एक दो लाइंस पिक करके यहां पर अपडेट की है कि अगर डिफरेंस है तो माइन्यूट क्या है, ठीक है, जो वो क्लेम करते हैं, तो उसके थ्रू हम चेक करेंगे इनमें डिफरेंस अगर है तो क्या, और आपको क्या कोर्स चूज करना चाहिए। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। पहले आया सीए कंपैरिजन, सब अपलोडेड, फिर बीकॉम कंपैरिजन, सब अपलोडेड, फिर आ गया सीएफए कंपैरिजन, अपलोडेड, अब चल रहा है बीबीए कंपैरिजन, जिसमें हम हैं वीडियो नंबर 68 पर। जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। सारी अगर मैं देखूंगा तो हमसे भी ना हो पाएगा। बीबीए बीएमएस वेबसाइट अगर देखना है, देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं बीबीए के, कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं बीएमएस के। इनका नाम आप गूगल पर टाइप करोगे, उस हिसाब से फिर आपको उनका वेबसाइट लिंक मिल जाएगा। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और कमाल की बात, देखो बीबीए को प्यार से बीएमएस भी कहते हैं, मतलब अदर नेम्स में हमने बीएमएस लिखा है तो अदर नेम्स को ही हम सर्च कर रहे हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हो। बीएमएस बीबीएम सब भाई बहन नेम्स है, माइन्यूट डिफरेंस चेक करेंगे। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर बीबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईआईएम्स, क्राइस्ट, एसपीजेन, सिम्बायोसिस, शिवनादर, नरसिंहमुंजी। यहां पर कुछ मुट्ठी भर कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और ऑटोनॉमस, जो आपको बीएमएस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जैसे शहीद सुखदेव सिंह, जामिया, मितिबाई, केजी सोमैया और जेवियर्स। डन हो गया। कोर्स का स्टेटस क्या है, बीएमएस और बीबीए दोनों ही प्रोफेशनल यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 12th आपने पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज किसी से भी किया है, आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। तीन तरीके हैं एडमिशन लेने के। एक तो हो गया एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, भाई आईपीमेट, सेट, एनपैट, सीयूईटी। एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, सॉरी मेरिट बेसिस पे एडमिशन, क्लास 12th के मार्क्स आए बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसे मार्क्स आए, प्यार ही प्यार आया बस उन पे, जाओ कॉलेज में एडमिशन ले लो। थर्ड हो गया डायरेक्ट, फीस सबमिट करी, अगले दिन एडमिशन हो गया। यहाँ पर भी 10+2 एनी स्ट्रीम, कुछ कॉलेजेस में मैथ्स कंपलसरी है जिससे हमें थोड़ा सा डर लगता है। मोस्ट कॉलेजेस में 60% मार्क्स भी चाहिए क्लास 12th में। बीबीए में ऐसा क्राइटेरिया नहीं मिलता, बीएमएस में मिलता है। यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम अगेन MUC, MET, CUET, SNU, SET ये आपको क्लियर करने हैं बीएमएस के लिए, या फिर आप क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बीएस में बहुत ही लिमिटेड है, सबसे ज़्यादा एंट्रेंस वाली है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन देखो है तो बहुत सारी, लेकिन मैं मेन बता देता हूँ, IB, फिनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग। यहाँ पर भी सेम, बस HR हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, लेकिन सेम है, कुछ मोर और लेस ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, पहले आप करोगे जनरलाइज्ड कोर्स, ये स्पेशलाइजेशन में आप फिर जा सकते हो, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, बीबीए की जो फीस है ना 30,000 से 40,000 रुपये होती है पर ईयर, मैक्सिमम जाती है 7 लाख तक। अगर आप इंटरनेशनली करना चाहते हो 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपये साल तक की फीस है। डिपेंड किस पे करेगा, जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे और जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी है, क्या ही बोल दिया, ठीक है जी। यहां पर भी अगेन सेम फॉर्मेट है, उतना ही फीस आता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, अगर बीबीए अब्रॉड से कर रहे हो 4 इयर्स का है, नहीं तो इंडिया में तो सब कुछ 3 इयर्स का है, यहां पे भी 4 इयर्स वही अगर अब्रॉड है तो, ठीक है, 3 इयर्स, 3 to 4 इयर्स, यहां पे भी 4 इयर्स इन केस ऑफ अब्रॉड, यहां पर भी 4 इयर्स इन केस ऑफ अब्रॉड। लेवल्स ऑफ द कोर्स, दोनों में है सेमेस्टर सिस्टम, और 6 to 8 semester इंडिया से करते हो तो 6 semester होंगे, अब्रॉड से करते हो
होंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया दोनों में है 24 टू 30 पेपर, 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, 5 टू 6 पेपर हर सेमेस्टर में हो गए, कर लो मैथ्स। इंट्रोडक्शन से एडवांस तक जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। उन्होंने कहा सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है जी। उन्होंने कहा सारे क्वेश्चन ओपन बुक, ठीक है जी। उन्होंने कहा सारे क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक है जी। उन्होंने कहा इन सब का मिक्स, ठीक है जी। आपको टेस्ट किया जाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्मेट पर, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर। जितना बढ़िया कॉलेज, प्रीमियम कॉलेज, वहां पर ये टेस्टिंग उतनी सीरियस, नहीं तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल है किसी भी नॉर्मल कॉलेज में। पासिंग क्राइटेरिया दोनों ही कोर्सेज में 35-40%। डिफिकल्टी लेवल अगर देखें, देखो कोर्स है मॉडरेट, एंट्रेंस टफ है। अगर आपको ये सारे एंट्रेंस निकालने हैं, एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल, अपने सब्जेक्ट की अच्छी कमांड, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप होनी ही चाहिए। यहाँ पर भी कोर्स डिफिकल्ट है भैया। यहाँ मॉडरेट क्यों, यहाँ डिफिकल्ट क्यों? देखो बीएमएस ना ज़्यादातर एंट्रेंस के बाद है और उन्होंने कुछ अलग बनाया तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उन्होंने ज़्यादा दिया। जो मैंने स्टूडेंट से बात किया, जो मैंने टीचर से बात किया, जो हमने वेबसाइट पे देखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है इसके कंपैरिजन में। वैसे तो सेम है, लेकिन अगर आप हल्का सा मैनेजमेंट एप्टीट्यूड लेकर वहाँ पे जाओगे तो यू विल बी सॉर्टेड। एंट्रेंस तो अगेन आपको पता है टफ है भाई, एसएनयू सेट में एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल, सब्जेक्ट की नॉलेज सबको चाहिए। एवरेज स्टडी टाइम 3-4 आवर्स और यहाँ पर 6-8 आवर्स का हो जाता है, ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज 100 है जी, दोनों में ही 100 है। क्यों? क्योंकि एक बार एंट्री तो हो गई कोर्स में, अरे निकल तो जाओगे, इतना तो भरोसा है, पास तो कर ही लोगे, बैक पेपर भी आएंगे तो उनको भी तो क्लियर कर लोगे यार। ऐसा भी बिल्कुल मतलब हल्के में ले लिया बिल्कुल यार, 100% है पासिंग परसेंटेज। कैंपस अगर देखें, देखो प्लेसमेंट सपोर्ट तो हर कॉलेज देता है, लेकिन प्लेसमेंट की क्वालिटी डिपेंड करेगी ब्रांड पर। कॉलेज है बढ़िया ब्रांड, शानदार, जबरदस्त, ऐसा प्लेसमेंट प्यार आएगा प्लेसमेंट को देख के, ऐसे ही यहाँ पर है। लेकिन बीएमएस में ना कॉलेजेस ज़्यादातर आपको अच्छे मिलेंगे, तो वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है, मोस्ट स्टूडेंट्स गेट गुड जॉब्स। भैया फिर भी एक रफ आइडिया अमाउंट का, रफ क्यों, डिटेल में देखते हैं। एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में चले गए, दोनों में 30 लाख हाईएस्ट है, एवरेज यहाँ 4-5 है, यहाँ पर 6-8 है। ये बीबीए, ये बीएमएस। मेरिट बेस्ड में चले गए, हाईएस्ट दोनों में 10 लाख है, एवरेज दोनों में 3-4 है। बीएमएस कोई भी कॉलेज में नहीं मिलता, बीबीए कोई भी कॉलेज में मिलता है, जहां पर फीस सबमिट करी और जाकर बैठ गए, वहां पर हाईएस्ट है इतना और एवरेज है इतना। ये भी जब प्लेसमेंट सेल बहुत ही सॉलिड है, नेटवर्क है उनका जबरदस्त, तब मिलेगा, वरना नहीं मिलता। टॉप कॉर्पोरेट्स यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, सेम कंपनीज भी हो सकती है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सब कुछ ओपन है, पूरा एफएमसीजी, जो आप सुबह से लेकर शाम तक कंज्यूम करते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ एफएमसीजी, इन सब में आप जॉब कर सकते हो, सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर सकते हो और सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है, सब कुछ A to Z जितना सोच सकते हो। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, बीबीए के बाद एमबीए की अपॉर्चुनिटी है, पीजीडीएम कर सकते हो, पीजी कोर्सेज कर सकते हो। भैया मैं तो जॉब कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर ऑफ जॉब चल रहा है, मुझे लग रहा है अगर मैं डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर एक यूज़ करते हैं उसको सीख जाऊँ अच्छे से और 2-3 महीने पर उस पर कमांड कर लूँ तो मेरा पैकेज इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर लो, जब पता हो तब करना, ठीक है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। भैया मुझे तो वर्ल्ड ही चेंज करना है अपना पूरा, ठीक है भाई, CFA, CPA ये भी कर सकते हो। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन MBA है, आप डिप्लोमा और डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हो एज पर दी रिक्वायरमेंट। ग्रोथ में अगर हम फ्यूचर जॉब ग्रोथ देखें, दोनों ही कोर्स मॉडरेट लेवल तक लेके जाएंगे। अगर तूफान बनना है, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनना है, MBA तो करना ही पड़ेगा। एवरेज एज ऑफ मैरिज ये रही, ठीक है जी। बीएमएस में जॉब मिल जाती है क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में ही है सिर्फ, बीबीए में हर टाइप के कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इफ एंड बट रहता है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो दोनों ही डिग्री हैं बेसिक, मार्केट चाहता है कि आपके पास कुछ स्पेशलाइज्ड डिग्री अवेलेबल हो, जैसे MBA, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स। फ्रीलांस, दोनों ही कोर्सेज में कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च में हजारों जॉब्स अवेलेबल हैं। एक बार जरा किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर जाकर ये 3 वर्ड्स टाइप कर दो, इतना कुछ आएगा ना, हिल जाएगा दिमाग, आतामाजी से टकली। कोर्स लाइफ क्या होगा किसका, बीबीए का, प्रेशर है बहुत ही कम,
फ्रेंड्स के साथ होगी मस्ती, पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स होंगे डेवलप, और अगर कॉलेज मिल गया अच्छा, क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, नाइट आउट्स है, चिल्ड लाइफ है, जितनी मौज हो सकता सब मिलेगी, जिसे कहते हैं ना जिंदगी, वो जियोगे। यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर होगा, आपको इवेंट्स और सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, लेट नाइट वर्क और फन मस्ती सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है आपका कोर्स लाइफ, 60% सेम होगा, 40% कॉलेज पे वेरी करेगा। यहाँ पर यही होता है सब्जेक्ट, भैया सब्जेक्ट में क्या पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ोगे जनरल मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग और भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, जैसे लॉ है ना, 5 ईयर्स का होता है लॉ, सब कुछ पढ़ाया जाता है, ओ भाई इतना सिलेबस है, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको लॉ में, उसके बाद आप डिसाइड करते हो ठीक है भाई वर्ल्ड तो समझ में आ गया मुझे कि क्या है लॉ का, अब मुझे बनना है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में लॉयर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेरे लिए क्या सही है फिर आप वो देखते हो। तो ऐसे ही सेम केस में आप मैनेजमेंट में जाओगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस में सब कुछ, सब पढ़ के समझ में आएगा अच्छा ये है सारी कहानी, फिर आप जाओगे अपने स्पेशलाइज्ड कोर्स में। यहाँ पे आ जाते हैं जी मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक, फाइनेंस, सब कुछ है, सेम है और थोड़ा सा ज़्यादा ही हो सकता है बीएमएस में, ये कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करेगा। अगेन जैसे आप ना वो जो स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पर फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हो, नेशनल लेवल पर आपको खेलने जाना है तो प्रैक्टिस तो वहीं करोगे स्कूल के ग्राउंड में, ये थोड़ी वो जो नेशनल वाला ग्राउंड होगा वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करोगे, पहले प्रैक्टिस होगी घर में, सब चीज़ें समझी जाएंगी, प्रैक्टिस किया जाएगा, सारी जो अपनी वीकनेस है उनको समझा जाएगा, फिर वहाँ पे जाके परफॉर्म करोगे। सेम केस में हो गया बीएमएस, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करोगे, बातें करोगे, टीचर से समझोगे, उसके बाद जाके प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे, राइट। वर्क क्या करोगे, भैया सब्जेक्ट तो समझ में आ गया, पढ़ना क्या है, अब सब्जेक्ट के बाद अगला लाइफ में टास्क क्या है, काम। देखो काम में ना सारा काम होता है जनरल मैनेजमेंट का, सेल्स, मार्केटिंग का, कस्टमर रिलेशनशिप का, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, भैया सब कुछ आ गया, हाँ ऐसी है। स्टार्टअप का जो फाउंडर होता है ना वो झाड़ू भी लगाता है, वो LMS भी मेंटेन करता है, वो कस्टमर सपोर्ट भी है, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी है, वो टेक एंटरप्रेन्योर भी है, वो मार्केटर भी है, वो फाइनेंस भी है, वो एडमिन भी है, वो सब कुछ है, जब रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की आती है वो चीज़ करता है। सेम केस में आपका रोल है, आपको जो भी काम दिया जाएगा चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप हो, चाहे सेल्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो, या जो भी जॉब प्रोफाइल मिलेगी आप वो करोगे, ये आपका वर्क होगा बीबीए के बाद। आया चला गया, आया यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट, सेल्स, एचआर, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, सब कुछ वही है। जैसे एक टीचर है ना हमारे स्कूल में, है तो मैथ्स के टीचर लेकिन ट्यूशन सारे सब्जेक्ट्स का करते हैं, याद आ गया, तो मतलब है तो एक के स्पेशलाइज्ड लेकिन हर चीज़ पढ़ा लेते हैं कंफर्टेबली, बस वही है बीएमएस बच्चा भी, आपकी स्पेशलाइजेशन हो कुछ भी लेकिन सारे काम कर लोगे, सेम है, ठीक है। अब आते हैं जी एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये पी आई, जहां पर ये हो जाते हैं मैच वो बन जाता है आइडियल करियर, हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट, देखते हैं आता है क्या। एप्टीट्यूड चाहिए बीबीए का मल्टीटास्किंग वाला, 2 से 3 टास्क एटलीस्ट समझ तो सके एक बार में, चाहे करे या ना करे, लॉजिकल सोच सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई काम दे दिया बाबू होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो टास्क होना है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक बच्चा होता है, हम उसे वाशु कहते थे, वाशु आज एक गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कल फिर दूसरी गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो वो ऐसा वाला बच्चा मल्टीटास्किंग कर सकता है। अगर आप क्लास में किसी को ऐसे कुछ जानते हो या फिर खुद हो, मतलब समझ रहे हो, तो आपका एप्टीट्यूड है बीबीए वाला। यहाँ पर न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल, अरे मेरी बात सुनो, बचपन में क्वेश्चन पूछा मम्मी बारिश क्यों होती है, ये ऐसे ट्रांसपेरेंट कलर की क्यों होती है, मम्मी ये बादल आज येलो क्यों हो रहे हैं, मम्मी आज ये ग्रे क्यों हो रहे हैं, आज वाइट बादल क्यों हैं, आज बारिश क्यों नहीं हो रही, क्यूरियोसिटी बहुत है, क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, है ना, और उनको फिर अंदर तह तक जाते थे कि प्रॉब्लम ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही मेरे दिमाग में, ये वाला है एप्टीट्यूड, समझ जाओ बीबीए बीएमएस कर सकते हो। पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, सॉलिड नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन लेने की ताकत, एक्सट्रोवर्ट, लोगों से बात करना पसंद है, एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, जैसे धूम टू में ऋतिक रोशन था ना, अलग अलग रोल करते थे चोरी करने के लिए, हर रोल में ऐसा लगता था जैसे वो ही रोल उसी के लिए बना है ना, तो आप सॉलिड कम्युनिकेशन है, लीडरशिप एबिलिटी है, डिसीजन ले पाते हैं और एम्बिशियस है, पर्सनैलिटी।
यहाँ पर भी सेम हो गया। जैसे आज तक के प्रेजेंटर्स हैं ना, बहुत एग्रेसिवली इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। अगेन नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, लीडरशिप एबिलिटी है, डिसीजन ले सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन सामने गलत आ गई, बोलना है नहीं बोलना, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ डिसीजन लेना। एक्स्ट्रोवर्ट तो होते ही हैं जब बोलते हैं तो, और एम्बिशियस होते हैं अपने करियर को लेके। आप एक बार ज़रा न्यूज़ एंकर्स की सैलरी देखना, तो ऐसे तो होती नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है जो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। राइट, इंटरेस्ट किसका? बीबीए स्टूडेंट का, जो भी काम दिया होगा। जैसे कोई बच्चा आता है ना नया क्लास में, न्यू एडमिशन, भाई 25 स्टूडेंट्स की क्लास है, जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो 27 हो गए, दो नए बच्चे आए, तो वो ना स्टार्टिंग के एक से डेढ़ महीना सबको फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है ये देख किससे वाइब मेरा मैच हो रहा है, तो उसका एक ग्रुप बन जाता है बच्चे का। तो जैसे कोई न्यू एडमिशन आता है उसका इंटरेस्ट होता है न्यू फ्रेंड्स बनाने में, वैसे ही आपका भी इंटरेस्ट होता है टास्क को कंप्लीट करने में। दिया है तो होगा, यहाँ पर अपना बेस्ट देना और राइज हाई करना। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट 24.5 आ गए, 25 में से 0.5 कैसे कटाओ, अगली बार ये भी नहीं होगा, टॉपर टॉपर टॉपर, एम्बिशियस एम्बिशियस, सेम इंटरेस्ट है। बेस्ट केस सिनेरियो देखो, बीबीए में आपने एंट्रेंस क्लियर कर दिया, फोड़ दी दुनिया, उसके बाद आपका टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर आपका बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, दो साल का आपने लिया वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपने कर लिया एमबीए, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ये मैक्स है। यहाँ पर आपने अगेन एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप कॉलेज में शहीद सुखदेव सिंह, मिति भाई, जामिया, इन सब में एडमिशन हो गया, बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, दो साल के एक्सपीरियंस के बाद एमबीए कर लिया भैया। लेकिन जिंदगी बेस्ट तो होती नहीं है, वर्स्ट भी बता दो क्या हो सकता है। देखो सीयूईटी हो गया, लेकिन जो प्रॉपर बीबीए के लिए एंट्रेंस थे ना वो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, एक एवरेज कॉलेज मिलेगा, नॉलेज स्किल्स पर वर्क करो, एमबीए की तैयारी करो। भैया एंट्रेंस ही नहीं हो पाया और बीबीए है, ऐसे कॉलेज से जाने का भी मन नहीं करता, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करो डिजिटल फॉर्मेट में, ऑफलाइन नहीं करना, ऑफलाइन में फिर ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होगा, डिजिटल फॉर्मेट में करना, 2 से 3 कोर्सेज अगेन डिजिटल फॉर्मेट में करना, रिसर्च करना, ऐसे रिसर्च करनी है कि बस जिंदगी इन पर डिपेंडेंट है, एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के चूज़ करनी है, चाहे कोर्स हो चाहे इंटर्नशिप हो, और एमबीए की तैयारी करनी है थर्ड ईयर में। डन होगी बात? हाँ जी, यस। अब फर्स्ट केस देख लेते हैं बीएमएस स्टूडेंट का। देखो अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता, एवरेज कॉलेज मिलेगा, अपनी नॉलेज स्किल्स पर वर्क करनी पड़ेगी और एमबीए की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है जी, अप स्किल वगैरह होगा ही होगा। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है, बीबीए बीएमएस में मोर और लेस सेम लगेंगे, हल्का सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, बीएमएस कहता है कि भाई ठीक है 5% ज़्यादा वहाँ पर होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता। आपका जो भी एंट्रेंस क्लियर हो, आप दोनों में जो भी बेस्ट कॉलेज है उसमें जा सकते हो, कोर्स आइडेंटिकल होंगे। कोई डाउट है बता दो ना कमेंट में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।